माँ बनना हर महिला का खास और जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। शादी के बाद हर महिला को प्रेग्नेंट होने का इंतजार होता है, लेकिन उनके मन में असमंजस होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। बहुत से महिलाओं के मन में ख्याल आता है कि सेक्स करने के बाद कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं विकास। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट कब करें व पीरियड मिस होने के बाद कितने दिन बाद करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। दूसरा सवाल है सेक्स करने के बाद कितने दिनों के बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। वह तीसरा सवाल है पीरियड मिस होने के बाद कितने दिनों के बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। इन तीनों सवालों का जवाब एक ही है रहने के लिए। आमतौर पर पीरियड मिस होने के बाद एक सप्ताह बाद आप प्रेगनेंसी किट से गर्भपात का पता लगा सकते हैं। वह टेस्ट करने के लिए ये सुबह का यूरिन होना चाहिए, क्योंकि इसमें HCG हार्मोन्स अधिक मात्रा में पाया जाता है। और प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करना चाहिए। घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सबसे आसान और सरल तरीका है HOMEUPT, होम यूरिन टेस्ट। इसके लिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ऑनलाइन व मेडिकल स्टोर से आप परचेस कर सकते हैं। ये 50-60 रुपये मिल जाता है। इस्तेमाल करने के लिए आपको एक ड्रॉपर की मदद से कार्ड में 3 बूंद यूरिन डालना होगा, तो आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। रिजल्ट में डार्क पिंक 2 लाइन होगा तो आप प्रेग्नेंट है, और एक डार्क पिंक होगा, एक डार्क पिंक नहीं होगा तो भी आप प्रेग्नेंट है, और एक सिंगल मात्रा डार्क पिंक होगा तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। ऐसी प्रेगनेंसी से रिलेटेड व हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वह आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए व लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।